ऐसे लगभग, और जनरिक है तब तो फिर 100 का है तो 500 बिकेगा, लेकिन न्याय नहीं हो पाएगा लोगों के साथ। और हम तो हर बात इसलिए महसूस करते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम मेडिकल फील्ड में हैं और हमारे माँ बाप एक डॉक्टर बेटा पाए हैं, लेकिन कई माँ बाप ऐसे हैं जिनके बेटे डॉक्टर नहीं है, ये हमें खलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो लोग अगर बीमार हैं तो उनका कौन देखे, और अगर कोई उनके साथ गेम खेलता है, गेम का मतलब कि उनका पैसा भी ले और दवा की क्वालिटी भी ना ठीक रहे, तो ये दोहरा दंड है। और मैं ये नहीं कभी महसूस करता कि पैसा भी लूं और उनके लिए बेहतर चीजें भी ना दूं, क्योंकि अक्सर होता है कि पैसे खूब लिए जा रहे हैं मार्केट में लेकिन उनको वास्तविक चीजें या बेहतर चीजें नहीं दी जा रही केवल अपने स्वार्थ में। कई मित्र हमारे डॉक्टर भी हैं, उनसे हम कहते हैं कि पैसा तो आप लोग खूब कमा रहे हो और संयोग से वो सरकारी पदों पे है तो वेतन भी 80,000-60,000 जो भी होता है मिलता है, हम कहें थोड़ा सा उनको और कुछ अपने मरीजों को दीजिए बेहतर, तो कहें यार इसमें कुछ है नहीं, क्या करें इसमें। हम कहें यार कुछ नहीं है, ईश्वर तो देख रहा है, 80,000 वेतन पा रहे हो वही बहुत है। दूसरी बात, यहां तो वो है तो आप दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अपने बिक्री से एमओए में आप बहुत नहीं कमाएंगे, क्योंकि अपना बेच करके बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे, लेकिन यहां तो आपके साथ एक टीम हो जाएगी कुछ दिन में, तब आप इतना कमाएंगे जो आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो खैर, बहुत सारे पेशेंटों को हम बहुत बढ़िया हेल्प करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ, प्लस उनको न्यूट्रिशन के द्वारा यानी कि न्यूट्रलाइट के द्वारा। एक पेशेंट हमारे यहीं डिड़ई के थे जो कि हम एक बार बताए भी थे, उनका सांस बहुत फूलता था और वो इनहेलर लेते थे दिन में 3-4 बार। तो एक जो पेशेंट हमारे वहीं जैसे डिड़ई की हैं तो उनको कान की कोई समस्या थी तो आती थी वो, तो उन्हीं के बगल में घर था उनका, तो वो जो बताए कि हमको बड़ी दिक्कत है, वो कहे चले जाइए बेलवा सिंगर और एक डॉक्टर साहब है उनसे मिल लीजिए। तो ये बात है कोरोना काल की, वही लगभग अप्रैल के आसपास की। तो आए वो तो कहे कि हम जो है 3-4 बार जो इनहेलर खींचते हैं और सांस रोग की आखिरी दवा है वो, इनहेलर जो है वो जो दमा की आखिरी दवा है, 3 बार खींच रहे हैं तो 4 बार खींचेंगे, फिर और समस्या होगी 5 बार खींचेंगे, और खींचते खींचते फिर खींचना बंद कर देंगे छुट्टी, क्योंकि वो मतलब जो श्वास की नलिकाएं वो जो है दवा फुला देती थोड़ी देर के तो काम चलता है, और फिर बार बार फूलना बार बार पिचकना, एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो फूलने पिचकने से मना कर देती श्वास की नलिकाएं, कहती अब हम बहुत आपकी सेवा कर चुके, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो उनको हम कहें देखिए अगर आप सही ढंग से काम करें, सही ढंग से दवा लें तो हम कुछ बेहतर बताएं। तो कहें सर बताइए क्या है, आप हम तैयारी करके नहीं आए हैं। तो हम कहें ठीक है, तो फिर कुछ दवा ले लीजिए खाली शुरू करने के, लेकिन आइए तो फिर मन बना के आइए। तो कहें मन क्या बनाना पड़ेगा, हम कहें लगभग 10 से 15 दिन की दवा आपकी हम उम्मीद करते हैं 2000 के आसपास पड़ेगी। तो उसमें जो मन था हमारा, हम सोच रहे थे 200 ग्राम प्रोटीन दे देंगे और बसाका दे देंगे, न्यूट्रलाइट डेली देंगे, सालमन देंगे तो काम चल जाएगा। तो लगभग 2000 के आसपास 10-12 दिन की दवाई की मैंने पूरी हो जाएगी। तो कह रहे हैं आज तुम्हारे पास 300-400 रुपया है, तो उनको हम जो है बसाका 2 गोली सुबह 2 गोली शाम के हिसाब से 3 दिन का दिए और 3 न्यूट्रलाइट डेली दिए। तो देखिए उनको खून की भी कमी थी तो चेरी आयरन और नेचुरल सी दे दिए, बाकी प्रोटीन पाउडर देने का गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि सब 300-400 खाली वो लेने के लिए बताए। और 3 दिन के बाद वो नहीं आए बल्कि 5-6 दिन के बाद आए, तो हम तो महसूस किए कि ये 3 दिन में नहीं आए तो गए, क्योंकि जब भाई नहीं कोई समय पड़ता गए तो खैर ठीक है उधार लेकर नहीं गए तो चिंता बहुत ज्यादा थी नहीं, और भगवान भी और जो है ईश्वर से भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने गलत नहीं किया था, हमने जो वास्तविक था उतना किया था। और फिर वो 5-6 दिन के बाद आए तो अपने बेटे के साथ आए, हमने कहा ये कैसे, तो कहे दरअसल बेटा हमारा ट्रक चलाता बॉम्बे में और ये जो आया हुआ अभी तो इसी के साथ हम आए हैं। तो उनके बेटे से बताएं देखिए आपके ये पिताजी हैं और उम्र उनकी लगभग 50-55 की थी, तो लगभग नई उम्र, हम कहे आप लोग बाहर ट्रक चलाते हो और घर से फ्री रहते हो ये बहुत बड़ी बात है, आपके पिताजी अगर घर की देख रेख करेंगे तो आप लोगों का दिमाग वहां ट्रक लगाने में खूब लगेगा। कहें हाँ भैया यही सही है। तो हम कहें इनकी दवा ठीक से करवा दो, तो फिर कहें क्या होगा, हम कहें लगभग 20 दिन की दवा इनकी, 20-25 दिन की दवा लगभग 5-6 हजार की पड़ेगी। तो फिर वो पैसा गिने, 3 सेट ले गए थे माने वही कोरोना काल में अप्रैल मई जून तक, और फिर पूरी तरह से ठीक है, बात उनसे फोन से होती भी है लेकिन कहते हैं भैया मैंने लगभग किसी दवा की जरूरत नहीं है, लगभग ठीक है। हम कहें चलो लेकिन कुछ होगी अगर कुछ और खाते पीते रहिए क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं है, लेकिन एकदम ठीक है। तो ये है और तो बहुत लोगों की जिंदगियों में रंग भर रहे हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि अच्छा चीज मिला हुआ है। थैंक यू।